अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है मेरी डेली रूटीन। ये सुबह का टाइम है जो मैंने सुबह उठकर फजर की नमाज का मेरा टाइम। तो यहाँ पर मैं फजर की नमाज पढ़ चुकी थी जब फजर की अजान हुई, तो 10 मिनट बाद उठी मैं और फिर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कलाम पाक पढ़ी, एक रुक पढ़ा। फिर यहाँ पर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय मेरा खाली अच्छी नहीं लगती, खाली पीने का मन नहीं करता, इसीलिए चाय के साथ मैं खा रही थी नमकीन। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे यहाँ पर, तो जैसे कि मैं चाय पी रही थी तो नमकीन खा रही थी, मिर्च वाली नमकीन थी ये बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैं नमाज और कुरान पढ़ी ना मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है मुझे, तो फिर बहुत ज़्यादा हल्का सा रहा था। तो 10-5 मिनट के लिए फिर लेट गई मैं बिस्तर में। फिर लेटने के बाद मैंने सोचा कि ये जो मीठ हुआ है इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, ये अभी पाला है हमने, अभी लाया हम इसको, 10-12 दिन हो गए हम इसको लाए थे, न्यू ही है ये, खरीद कर लाए हम इसे। बहुत ज़्यादा डरता है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब जब हम इसके सामने बैठे रहते हैं तब तो ये खाना भी नहीं खाता, और जब हम सामने से हट जाते हैं तो तब ये खाना खाता है। और अब देखिए कैसे चल रहा था ये बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर मैंने जो नमकीन खा रही थी मैंने इसको नमकीन थोड़ी सी रखी कि ये खा लेगा, और इसने खाई तो नहीं, मेरे सामने तो नहीं खाई, मेरे पीछे खाई होगी, इसका कुछ कहना नहीं। फिर मैं, जैसे कि मैं जल्दी उठी थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं काम सफाई वगैरह कर लेती हूँ, तो तभी मैं एकदम से सफाई करने लग गई। और पहले सबसे पहले मैंने जो हम कंबल वगैरह ओढ़ के सोते हैं उनको इकट्ठा किया मैंने, और जो ये शाम के टाइम बेड पर बैठ कर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं तो बेड पर ही सामान रख देते हैं जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो मैंने बेड की सब वो की, बेड को झाड़ा, उसकी चादर को झाड़ा, फिर इन बर्तनों को हटाया, सब बर्तनों को, और ये जो रेड वाला कप है, रेड वाइट वाला, ये मेरा ही है। फिर काम सब काम ख़त्म करने के बाद मैं, मुझे पीना होता है दूध, वैसे तो मैं सुबह ही दूध पी लेती हूँ लेकिन आज लेट हो गया था इसीलिए मैंने काम ख़त्म करने के बाद ये दूध पिया। और ये दूध पता है किस चीज़ का है, ये बकरी का दूध है। और मुझे क्यों पीना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो रहा है 4-5 दिन से। वैसे रोज़ पीती हूँ मैं बकरी का दूध, और ऐसे बोलते हैं कि बकरी का दूध, डॉक्टर बताते हैं बकरी का दूध पीने से बुखार नहीं होता, बुखार में आराम मिलता है बकरी का दूध पीने से। और फिर जो दूसरा बेड है मेरा, फिर वहाँ से दूध पीने के बाद मैंने जो काम बचा था थोड़ा सा उसको कंप्लीट करने लगी मैं, जो सफाई वगैरह, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा होता है। और 4-5 दिन से मैं घर रह रही हूँ, मतलब 26 तारीख से मैं घर हूँ, इतना ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कुछ भी, मतलब चाहे घर का काम कितना ही कर लो फिर भी दिखता ही रहता है, पड़ा हुआ पड़ा ही रहता है, चाहे कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी मैं घर के काम में से अपना टाइम निकाल कर अपनी वीडियोस बना लेती हूँ ज़रूरी, क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो लेडीज़ है घर पर होती हैं उनको अपने फ्यूचर के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, और उनको थोड़ी बहुत इनकम करनी चाहिए, इसीलिए मैं इनका थोड़ी बहुत अर्निंग करने की वजह से मैं स्टिचिंग नहीं छोड़ती, मैं जो मेरा सिलाई का काम है इसको नहीं छोड़ती मैं। और यहाँ पर हम बना रहे थे पर्दा, ये छोटी बहन से बनवा रही थी मैं, ये जो कटर थी मैंने इसको कट कर करके दी थी छोटी छोटी पीस चकोर, मैंने इसको बोला कि नजमा तू बना और हम तुझसे बनवाएंगे, ये तेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा। और ये है ना जो सिलाई सीखने के बारे में बोल रही थी मैं सिलाई सीखूँगी, तो मैंने बोला कि तो मशीन भी चलानी आ जाएगी और तेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा। और हमने उससे ये सिलवाया था तो उसने आधा बना दिया था, यार आधा इसको मैंने बनाया था, बहुत अच्छा पैरदान बनाया। शायद इसकी वीडियो इसमें है या नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि इसमें है या नहीं इस ब्लॉग में, लेकिन मैंने उसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है, उसके मैंने पूरी तो वीडियो नहीं डाल ली कि इसको कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं। और अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसकी पूरी वीडियो भी, और अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल से तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जब मैं दूसरा पैरदान बनाऊँगी छोटी छोटी कतर का तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वीडियोज़ पैरदान की। तो मैं तो यहाँ पर पढ़ी थी थोड़ा सा काम करने के बाद, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, हाँ पढ़ी नहीं थी मैं, पढ़ने का कहाँ टाइम मिलता है, घर का काम इतना रहता है बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं होता, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और यहाँ पर मेरी बीच वाली बहन बना रही थी कढ़ी, और ये कढ़ी बनने वाली थी, मतलब थोड़ी सी कमी थी इसमें, 10 बजे इसने बननी रख दी थी और 2 घंटे हो गए थे इसे बनते हुए, 12 बज चुके थे। और इसको फिर
ये जो मैं तो कटिंग वगैरह करके थोड़ी देर लेट गई क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और क्या है ना, हमको काम के साथ में ख़ुद का भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ुद की हेल्थ का भी, और अपनी हेल्थ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमको, हम पूरे दिन काम करते हैं, रात तक काम करते रहते हैं, 9-10 बजे तक के, तो 1-1.5 घंटा तो रेस्ट करना चाहिए दिन में ज़रूर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, मेरा पैरदान कंप्लीट हो चुका था और ये मेरी वीडियोस भी बनाई थी मैंने पैरदान की, और यहाँ पर मेरा ये पैरदान बन चुका था, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर साँ यहाँ पर हो रहा था, और फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी मैना की वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, ये पता नहीं किस टाइम की होगी, सुबह की होगी या शाम की होगी, मैं तो जिस टाइम देखती हूँ उस टाइम में बना लेती हूँ, जिस टाइम ये नौटंकीबाजी करती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए किस तरह कर रही थी, और इसमें कलाबाजी सिखा रही थी, मतलब पंछी है, मुझे पंछी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट में बताइए कि आपको पंछी पसंद है या नहीं। मुझे तो, मैं जब इसको ख़रीदने गई थी तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वो थे, चिड़िया थी छोटी छोटी रंग बिरंगी कलरफुल, मेरा सा मन कर रहा था कि मैं इसमें से चिड़िया को ले लूँ, ख़रीद लूँ चिड़िया को। और मैं सोच रही थी कि मैं ना अब इस अगली बार आऊँ ना तो मैं 2 चिड़िया लेकर जाऊँगी, क्योंकि पीली थी वो, पीली भी थी, फ्रोजी थी, रेड थी, मैरून, हर एक कलर की चिड़िया थी। मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि मैं इनमें से 2 खरीद ही लूँ चिड़िया, पर मेरी बहन जो थी जिसने ये मंगवाया था उसने यही मंगवाया था तोता और ग्रीन वाला, तो हमने इसको यही ला कर दिया था क्योंकि पहले भी उसने यही पाला था, फिर हम क्या करते हैं तो उसने इसकी डिमांड की थी क्योंकि उसके ही पैसे थे, उसने बोला था कि ग्रीन वाला तोता लाना, तो हम ये लेकर आए थे उसके लिए ग्रीन वाला तोता। और ये देखिए कैसे नौटंकीबाजी कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ना कलाबाज दिखा रहा है जो इसको बोलते हैं, इतना मस्ती में मस्त है ये कि खाना भी नहीं खा रहा, मैंने इसको खाना रखा ये नहीं खा रहा। और फिर यहाँ पर हो गई थी मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, ये तो अम्मी बुन रही थी खाट जो ये बुनने के लिए आई है, ये किसी ने दी है तो मेरी जो मुझसे छोटे वाली सिस्टर है उसको सिखा रही थी अम्मी खाट बुनना, और वो खाट बुनने को बोल रही थी। और यहाँ सुबह के टाइम मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, क्योंकि खाना वगैरह तो कुछ था नहीं, मैंने सोचा कि मैं मैगी बना लेती हूँ क्योंकि रात में सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने ये मैगी बनाई थी अपने लिए, और जब मैं मैगी बना रही थी तो अम्मी बोल रही थी कि इसको भी दे दे थोड़ी सी मैगी। फिर नाश्ता वगैरह करके मैं यहाँ पर आ गई थी दूसरे कमरे में, जिस कमरे में मेरी मशीन रखी है, और उसी कमरे की मतलब मुझे एक फ्रॉक सिलना था, एक लेडीज़ ने साड़ी थी उसकी ग्रीन कलर की, ग्रीन और पिंक, फिर उसने साड़ी में से फ्रॉक बनवाया था, उसने बोला था कि दीदी मुझे फ्रॉक बनाना है और आप मेरा फ्रॉक बना के दे देना जल्दी, तो उसने बोला था कि मुझे दिवाली से 1 दिन पहले चाहिए, जबकि परसों या ये 2 दिन है अभी दिवाली में, तो मैंने उसको ये पहले ही बना दिया था उसके लिए ये, और आज उसने अपना बनवाया था और अपनी बेटी का बनवाया था, उसकी बेटी का तो मैंने पहले ही बना दिया था खुद से। और फिर यहाँ पर हमने उसका तो एक तो बना दिया था, तो दूसरे वाला फिर मैं बनाने लगी थी, दूसरा तो मैंने आज ही बनाया है। और यहाँ पर मेरी बन रही थी चाय, और ये मेरी वीडियोस भी उल्टी आ गई है, समझ में भी नहीं आ रहा। और मैंने चाय बनाई थी तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची और दालचीनी, इतनी सब चीज़ें मिक्स करके चाय बनाई थी, और इतनी अच्छी चाय बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी और गाढ़ी बहुत ज़्यादा थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी उसी वाले कमरे में जो ये फ्रॉक के बारे में बताया था मैंने कि मुझे ये कस्टमर्स को देना है, और यहाँ पर देखिए आधा तो मेरा बन चुका है, पेंडिंग में पड़ा था, ये आधा फ्रॉक तो मैंने बना दिया था। और जब मैंने फ्रॉक पूरा सिल दिया तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रही कि इसकी वीडियोस बना लूँ मैं, और इसको अम्मी लेकर चली गई, कस्टमर्स को दे दिया। जब बन चुका था फ्रॉक पूरा, मैंने उसकी प्री क्लिप्स तो शेयर ही नहीं की, बस जब मैं सिल रही थी तभी मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बनाई थी, जब भी मुझे टाइम लगता था या जब भी याद आता था तभी बना लेती थी मैं। और बस जो कस्टमर्स के धोने कपड़े में, और मतलब घर के काम, सिलाई के साथ साथ घर का काम भी हो जाता है, सफाई वगैरह, नमाज भी 5 टाइम की हो जाती है। फिर जब